तो जब भी हम अपने वीडियोस को शूट करते हैं एकदम नेचुरल लाइट में, मतलब कि जो भी लाइट्स आ रही हैं कहीं से भी आ रही हैं वैसी लाइट्स में जब हम अपनी वीडियो को शूट करते हैं तो रिजल्ट कुछ ऐसा आता है जैसा आप अभी देख रहे हैं। लेकिन जब आप अपनी वीडियो को एकदम प्रोफेशनली शूट करना चाहते हैं तब आपको रिजल्ट मिलेगा कुछ ऐसा, लाइक दिस। एंड ऐसा लुक अपनी वीडियोस को देने के लिए आपको कोई भी महंगा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है कि वो आइटम्स आपके घर में भी पड़े हों एंड उन आइटम्स का आप यूज करके अपने वीडियोस को एकदम प्रोफेशनली शूट कर सकते हैं। अब आप चाहे कैसे भी वीडियोस शूट करते हो उस हिसाब से आप अपना सेटलमेंट कर सकते हैं एंड आप अपने वीडियोस की क्वालिटी को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं। एंड अगर आप अपनी वीडियोस की क्वालिटी को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं तो आपका चैनल भी नेक्स्ट लेवल जाएगा, क्योंकि लोग देखने आते हैं क्वालिटी कंटेंट। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमको जरूरत किन किन चीजों की पड़ती है। तो सबसे पहले हमको जरूरत होती है एक बल्ब की, जो कि नॉर्मल एलईडी बल्ब होता है। एंड उसके साथ चाहिए होती है हमको कलर वाली पॉलीथीन, जो कि जेलेटिन हम बोलते हैं। एंड इन पॉलीथीन का आप यूज कर सकते हैं अपने वीडियो को डिफरेंट डिफरेंट लुक देने के लिए, ठीक है। एंड मैंने इस बल्ब एंड पॉलीथीन के कॉम्बिनेशन को लगाने के लिए एक जुगाड़ बनाकर रखी हुई है, जो कि मैंने अपने पुराने ट्राइपॉड में ऐसा एक तार कर दिया है जिससे कि हमारा बल्ब अच्छे से सेट हो जाता है, ठीक है। तो गाइज ये बल्ब के साथ पॉलीथीन का जो कॉम्बिनेशन है इसका यूज होता है बैकग्राउंड में लाइट क्रिएट करने के लिए या फिर आपकी रिम लाइट क्रिएट करने के लिए। एंड बहुत ही क्रिएटिव शॉट आप निकाल सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं हमारी मेन लाइट के बारे में। तो गाइज मेरी मेन लाइट जो है वो ये रिंग लाइट है एंड ये रिंग लाइट एकदम प्रॉपर हमारे फेस को ब्राइट करती है एंड ये बहुत ही चीप रेट में आती है विद स्टैंड एंड आपको ऑनलाइन ये अच्छे से मिल जाएगी। मैं इसकी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड ये लाइट मतलब आपके शुरुआती काम के लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। इसको ही मैं यूज करता हूँ एंड एकदम परफेक्ट शॉट इससे निकल आते हैं। तो अब सारे सामान को देख लेते हैं। तो हमारे पास है लाइट बल्ब एंड उसके बाद हमारा जो बनाया हुआ स्टैंड एंड उसके बाद हमारी रिंग लाइट एंड उसके ऊपर है हमारी टॉप लाइट, ठीक है। तो ये सारा सामान यूज होता है। तो गाइस शुरुआत करते हैं कि मैं अपने क्रिएटिव शॉट लेता कैसा हूं। तो जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया था मेरा ये जो स्टैंड है जो कि मैंने जुगाड़ से बनाया हुआ है, तो इस स्टैंड के अंदर मैं अपने सिंपली से अपनी लाइट को लगा देता हूं एंड उसको जला लेता हूं। देन वो लाइट जो है वो बैकग्राउंड पर जाती है एंड बैकग्राउंड हमारा कलरफुल हो जाता है। तो आप पूरे लाइटिंग सेटअप का बिहाइंड द सीन देख सकते हैं। एक फ्रंट पर लाइट है जो हमारी मेन लाइट है, एक टॉप पर लाइट है एंड एक बैक लाइट है, ठीक है। तो ये सारा हमारा सेटअप है एंड अब हम ये सारी लाइट्स को ऑफ कर देते हैं। तो जैसे ही हमारी सारी लाइट्स ऑफ हो जाएंगी वैसे ही आपके कैमरे में एकदम डार्क अंधेरा हो जाएगा। एंड अब हम ऑन करते हैं हमारी मेन सब्जेक्ट लाइट। तो सब्जेक्ट लाइट ऑन करते ही आप और आपकी बॉडी ब्राइट हो जाएगी लेकिन बैकग्राउंड नहीं होगा। तो जब हम अपनी सब्जेक्ट लाइट को ऑफ कर देते हैं एंड बैकग्राउंड लाइट को ऑन कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट कुछ ऐसा रहता है। लेकिन जब हम दोनों लाइट्स को एक साथ ओपन करते हैं तो हमारा रिजल्ट कुछ ऐसा रहता है। एंड जब हम अपनी टॉप लाइट को ऑन कर देते हैं उसके बाद हम अपना फुटेज लेते हैं तो उसके बाद हमको रिजल्ट कुछ ऐसा मिलता है। एंड वही अगर हम अपनी बैक लाइट के कलर को चेंज कर देंगे तो रिजल्ट, एंड यही जो हमारी बैक लाइट है इसी बैक लाइट से हमको अगर रिम लाइट बनाना हो तो वही लाइट को सिंपली से हमको अपने बैकग्राउंड में हमारे पीछे रखना होगा कुछ इस टाइप से घुमाकर। देन इसके बाद आपकी रिम लाइट जो है क्रिएट हो जाएगी जो कि आपकी आउटलाइंस होती है। एंड इस रिम लाइट को आप कलरफुल भी कर सकते हैं उसके ऊपर पॉलीथीन को चेंज करने के बाद। एंड एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जब आप अपने ऐसे लाइटिंग सेटअप के साथ वीडियो को शूट करेंगे कैमरे में तब आपको अपनी शटर स्पीड 50 रखनी है। अगर आप 50 से ज्यादा लेकर जाएंगे तब आपकी वीडियो क्वालिटी कैसी हो जाएगी पता है? बिल्कुल सेम ऐसी ही, ना तो आप अच्छे से देखेंगे ना बैकग्राउंड, पूरी की पूरी फुटेज की वाट लग जाएगी। तो आपको इन सारे शॉट्स में से सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सा लगा मुझको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो आई होप गाइस कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना एंड मैं मिलता हूं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।